पलामू जिले के पाटन प्रखंड के बीआरसीसी किशनपुर खेल मैदान के प्रांगण में प्रखंड इकाई आंकलन सफल सह ट्रेंड सहायक अध्यापक संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जितेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आंकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए वादों पर उनके खरा न उतरने और सहायक अध्यापकों को वेतनमान को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक के माध्यम से प्रखंड स्तरीय आंकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ का चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चुनाव निष्पक्ष रूप से किए गए। पर्यवेक्षक और चुनाव पदाधिकारी राजेश कुमार सुनील पांडे की उपस्थिति में विधि पूर्वक चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी पद निर्विरोध रूप से चुनाव हुआ। आपको सर प्रखंड सचिव का दावेदारी मिला है, आपको प्रखंड सचिव बनाया गया, क्या आप लोगों का मुख्य मांग क्या रहेगा? जी, सरकार से मुख्य मांग हम लोग का वेतन मांग है, और चूंकि हम लोग 20 वर्षों से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं, कार्यरत हैं, और हम लोग सरकार काम नहीं सुन रही है, यूं ही जो है कि कान में तेल डालकर मतलब सोई हुई है, और हम लोग का जो समस्या यूं ही का जीव का त्यों पड़ा हुआ है। बहुत शिक्षक जो है कि धरना प्रदर्शन आगे कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। अब जो है कि हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग भारी तादाद में आकलन पास हुए हैं, इसीलिए आज यहाँ सफल सहायक अध्यापक संघ का एक प्रखंड स्तरीय कमेटी का चुनाव भी हो गया है, जिसमें कि हमारे हरेंद्र सर अध्यक्ष है और ऋषिकांत तिवारी सर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आकलन सफल पास के, उनके सानिध्य में आज यहाँ चुनाव संपन्न हुआ है, जो शांतिपूर्ण हुआ है। यह चुनाव से हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के शिक्षकों को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए एक मिसाल खड़ा किए हैं कि भारी संख्या में आकर यहाँ पर संपन्न करवाया है चुनाव, और शांतिपूर्ण पूर्वक चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ मैं सरकार के जो नीति है, उस जो कूटनीति है, जो हमारे जो मांग है, मांग के प्रति जो है कि उनका कोई रुझान नहीं है। जब उनकी चुनावी मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम पारा शिक्षकों को वेतन मान देंगे, और अब 3-4 साल बीतने को आ गया है, अभी तक हम लोगों का मांग का धरातल पर किसी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर सभी मिलजुल कर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर पर हम लोग विकराल रूप गुलगुलान करेंगे, और सरकार को हम लोग अपना ताकत दिखाने का काम करेंगे। यदि वे शांतिपूर्वक हम लोग को बात को समझ कर अगर दे देते हैं, अगर नहीं देंगे, हम लोग को मांग पूरा नहीं करेंगे, तो हम लोग एक ऐसा गुलगुलान करेंगे कि झारखंड में तहस के नहस जितना भी कार्यालय सरकारी शिक्षण संस्थान तहस के नहस और तोड़ फोड़ करने का काम करेंगे। संवैधानिक मांग है, हम लोग संवैधानिक मांग को प्रति सजग है और सचेत होने जा रहे हैं। आज जैसे आप लोग बैठक में बैठक के माध्यम से कुछ चुनाव प्रक्रिया भी हुआ, क्या उसका कार्यक्रम रहा है? आज यह प्रखंड पाटर प्रखंड में सबसे पहले आकलन सफल सहायक अध्यापक सह प्रशिक्षित संगठन का निर्माण हुआ है, और सर्वसम्मति से सारे लोगों को चुना गया, और जो अनुशासन यहाँ पर हमें देखने को मिला, उसके लिए सबसे पहले मैं दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार से हमारे शिक्षक का परिचय दिए हैं, यह बहुत ही बड़ी बात है, और आज यह मेरा घर से शुरुआत हुआ है और पूरे झारखंड में, झारखंड राज्य में एक नया संगठन जो आकलन पास सहायक प्रशिक्षित अध्यापक संघ का निर्माण हुआ है, सभी जगह पर संगठन का निर्माण होगा, और यह संगठन वेतन मान लेकर के रहेगा, और यह संगठन का निर्माण वेतन मान के लिए ही बनाया गया है, और जब तक वेतन मान नहीं मिलेगा, हम लोग उससे कम मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप लोग सरकार से वेतन मांग को लेकर ये आप लोग बैठक कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग सबसे पहले संगठन का निर्माण किए हैं, आज सबसे प्रथम में पाटन प्रखंड का आकलन सफल सह प्रशिक्षित संघ का निर्माण हुआ है, और उसके बाद
सरकार से मैं मिलने का कार्य किया हूं और कर भी रहा हूं, और अपना बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करने के बाद यदि सरकार मेरी बात नहीं सुनती है तब उसके बाद हम अपने रणनीति के तहत सरकार से लड़ने का भी कार्य करूंगा, और उस लड़ाई का तरीका भी हम लोग आज 20 वर्षों से जान रहे हैं। इसलिए सरकार को भी मैं सचेत करना चाहता हूं कि यदि आप कोई बात को बोलते हैं तो सोच समझ के बोला करें, यदि आप कोई घोषणा पत्र में कोई चीज लिखते हैं तो वह उसके बारे में आप सोचने का कार्य किए होंगे तभी जाकर के लिखे होंगे। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आकलन पास सहायक अध्यापक को, अभी आप लोगों का मुख्य मांग अभी हम लोगों का मुख्य मांग है कि अभी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्य किया गया है जो कि पारा शिक्षक के ऊपर से ठप्पा को हटाया गया है। आकलन पास पारा शिक्षक किए हैं और सरकार के द्वारा विभागीय परीक्षा लिया गया है, और हर एक जगह विभाग में, चाहे वह कल्याण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वह किसी भी विभाग की बात हो, विभागीय परीक्षा लेकर के उन्हें आकलन प्रमोटेड किया गया है और उन्हें वेतन मान दिया गया है। इसी प्रकार से हमें झारखंड के तमाम आकलन पास सहायक अध्यापक को वेतन मान दिया जा सकता है, कहीं से कोई मामला इसमें नहीं फंसता है। इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जो आप सारे चुनावी सभा में बोलने का काम किए हैं उस चीज को जल्द से जल्द लागू करने का कार्य करें, नहीं तो बाद होकर पारा शिक्षक अपना कार्य करेंगे, उसका जिम्मेवार सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रखंड इकाई पाटन का चुनाव किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष श्री कांत तिवारी जी के उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। मुझे अध्यक्ष पद प्रखंड कमेटी का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं अपने कर्तव्य को, जो मुझे काम दिया गया है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा, और जो भी समस्याएं हैं पारा शिक्षकों का प्रदेश नेतृत्वकर्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा, और जो हमारा मंजिल है समान काम समान वेतन, उस अधिकार को लेने का पूरा पुरजोर कोशिश करूंगा।